Welcome to our today's lecture. In today's lecture, we will differentiate the inverse trigonometric ratios. So let us differentiate sine inverse of x with respect to x. We have to prove that the differentiation of sine inverse of x is equivalent to 1 divided by under root of 1 minus x square. हमें प्रूव करना है जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की द डिफरेंशिएशन वुड बी 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल माइनस 1, 1 बिकॉज इस फंक्शन का तो डोमेन वही आएगा जब एक्स बिलोंग करेगा माइनस 1 टू प्लस 1 तभी अंडर रूट में जो वो क्वांटिटी होगी दैट विल बी अ रियल नंबर एंड दैट विल बी डिफाइंड आई एम नॉट टेकिंग द एंड पॉइंट्स माइनस 1 एंड प्लस 1 So we know that the derivative of the function, of any function, f of x, that is equivalent to limit h tending to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So setting f of x is equivalent to sine inverse of x as usual, jis tarah hum rakhte the, and we will get f of x plus h that is equivalent to sine inverse of x plus h. देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो तो हमें मालूम है बाई डेफिनेशन दैट इज लिमिट एच टर्निंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच बट वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एच वो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच के बदले साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एच माइनस बीच में ऐसी एफ ऑफ एक्स के बदले मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स वो भी मैंने लिखा डिवाइड बाई एच है वो भी मैंने लिखा सामने लिमिट एच टर्निंग टू जीरो वो भी वैसे का वैसे ही है नाउ लिमिट एच टर्निंग टू जीरो वो मैंने ऐसे ही रखा वी नो द फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला ये अभी आप देख लीजिए मेरे पास x नहीं है x प्लस एच है इस x के बल्ले मेरे पास x प्लस एच है और इस y के बल्ले मेरे पास आप देख रहे हो x है तो आप इसको रिगार्ड कीजिए x और आप इसको रिगार्ड कीजिए y और ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर x के बल्ले आएगा x प्लस एच अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई का वैल्यू है x आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर आएगा y टाइम्स y के बल्ले है x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के बल्ले है x प्लस एच का होल स्क्वायर तो ये यहां तक है यहां तक तो समझ में आ गया हम उसके बाद ये साइन इनवर्स के साथ ये क्वांटिटी है x प्लस एच अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर मैं इसी क्वांटिटी से साइन इनवर्स को डिवाइड करूंगा मैंने इसी क्वांटिटी से डिवाइड किया और इसी क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाए हमें और डिवाइड बाई एच देख लीजिए वो ऐसी है वो ऐसी है डिवाइड बाई एच भी ऐसी है ऐसा करने से क्या होगा एक फॉर्मूला बनती है साइन इनवर्स ऑफ थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड एक्स टर्निंग टू जीरो वो तो वन होता है अभी आप देख लीजिए जब ये साइन इनवर्स एक्स के बल्ले मेरे पास है एक्स प्लस एच अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ये एक्स के बल्ले तो नहीं बनता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और डिवाइड बाई भी एक्स है और एक्स जाना चाहिए जीरो की ओर आप पूछेंगे सर वो कैसे जाएगा अब देख लीजिए जब मैं h को ले जाऊंगा जीरो की ओर ये बनेगा x प्लस जीरो दैट इज x आएगा x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h तो x बनेगा x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर भी बनेगा x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये क्वांटिटी जीरो जा रही है डिवाइड बाई यही क्वांटिटी तो नहीं बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x एंड x टेंड्स टू जीरो ये क्वांटिटी पूरी जीरो की ओर जा रही है जब एच जाएगा जीरो की ओर एंड वी नो दैट लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स वो तो वन होता है ये लिमिट्स में हमने पढ़ा है
सो दिस इज वन इन टू, अब ये वाली क्वांटिटी बच गई खाली, ये वाली क्वांटिटी x प्लस एच अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो यही क्वांटिटी खाली बच गई, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मेरे पास क्वांटिटी है, मैं इसकी जो हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर को करते हैं, न्यूमरेटर को जैसे हम रैशनलाइजेशन करते थे, मान लीजिए वैसे ही हम करेंगे। नो लिमिट एच टर्निंग टू जीरो, एक्स प्लस एच अपना ऐसे ही अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच, वो भी ऐसे ही है। अब मैंने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, मगर बीच में प्लस लिखना है। अब देख लीजिए वही मैंने लिखा, एक्स प्लस एच अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और इसी क्वांटिटी से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा, ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी, वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ये है मेरे पास और b ये है, बन गया a माइनस बी, और आप देख लीजिए यहां पर बन गया a प्लस बी। बन गया a प्लस बी, वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे बनेगा x प्लस एच का होल स्क्वायर इन टू, जब इसकी स्क्वेयरिंग होगी बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। जब स्क्वेयरिंग करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो चले गए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है भाई, डिवाइड बाई ये डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, x प्लस एच अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रह गया। फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1, वो तो x प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा माइनस, फिर x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वो भी मैं लिखूंगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी चीजों के साथ मैं छेड़ूंगा नहीं, उनको मैं वैसा का वैसे ही रखूंगा। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो मैं आपसे कह रहा था, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से फिर अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर वो तो चले जाएंगे, तो यहाँ पर खाली बचेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बाकी वो क्वांटिटी ऐसी ही है जो डिवाइड में थी, उसके साथ मैंने छेड़ा नहीं है। फिर इसको फॉर्मूला में लगाऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आप देख लीजिए वही लिखा है मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, उनमें से एच कॉमन निकाला मैंने, वो नीचे वाले एच के साथ चला जाएगा, बनेगा एच प्लस टू एक्स, नीचे आपके पास आएगा वही क्वांटिटी जिसके साथ मैंने छेड़ा नहीं। फिर जब मैं लिमिट एच टर्निंग टू जीरो दूंगा वैल्यू, ये एच जीरो बनेगा, ऊपर बनेगा टू एक्स, नीचे बनेगा एक्स प्लस जीरो, वो तो एक्स आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वो भी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स भी ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एच तो एक्स प्लस जीरो बनेगा, एक्स प्लस जीरो इज एक्स, ऊपर स्क्वायर बन गया ये, एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं ऐड करूंगा ये बनेगा 2x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 चला जाएगा आई विल गेट 1, और x भी चला जाएगा आई विल गेट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई हैव प्रूव्ड दैट मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी d बाय dx ऑफ f ऑफ x एंड दैट इज इक्वलन टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाय dx ऑफ f ऑफ x का वैल्यू था साइन इनवर्स ऑफ x एंड द वैल्यू इज 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो d by dx of cos inverse of x that is minus 1 divided by under root of 1 minus x square on the similar lines.
दिस एन एक्सरसाइज फॉर यू, आप इसको कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 3, दिस वॉज पेज नंबर 2, जहां पर मुझे प्रूव करनी है, जहां पर मुझे प्रूव करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा? हेलो, सलाम अलैकुम। तो चोस ठीक पड़ से चोस ठीक असल पड़ से गरी छे केशन पर एक करो ते 10 मिनट के सिटी वाले कॉल ठीक छे बस ये लेक्चर रिकॉर्ड कराऊं के सिटी 10 मिनट लगे ओके ओके सलाम। Prove that d by dx of tan inverse of x is equivalent to 1 divided by under root 1 divided by 1 plus x square. ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा? एज द यूजुअल वे, जो मेरे पास तरीका है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर जो आपके पास f ऑफ x प्लस h आएगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस h। और जो हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की d by dx of f of x, वो हमें पता है दैट इज लिमिट h टर्निंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h। अब f of x plus h कितना है? दैट इज tan इनवर्स ऑफ x plus h minus f of x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x divided by h। एंड वी नो द फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x minus tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x minus y divided by 1 plus xy। हमने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला प्रूव भी की है और मैंने आपको कहा है कि ये आप याद भी रखेंगे। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x y। तो x के बदले मेरे पास है x प्लस h माइनस y के बदले मेरे पास है x, तो बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई मस्ट गेट tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x y। तो tan इनवर्स लिमिट h टर्निंग टू 0 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स भी अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहेगा, बनेगा x माइनस y, x प्लस h माइनस x, वो तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू y, x इंटू x प्लस h। अब जो x और x है वो चला जाएगा, ऊपर खाली h बचेगा, सामने लिमिट h टर्निंग टू 0 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स वो भी वैसा ही रहेगा, डिवाइड बाई जब मैं 1 लिखूंगा वो भी मैंने ऐसे लिखा, x से मल्टीप्लाई में करूंगा वो बनेगा x square plus h times x, बन गया। सो दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, अब ये h है, मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 प्लस x square plus h x, मैंने इसी से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया। जब मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इससे क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ लिमिट x टर्निंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x वो तो 1 होता है। अब देख लीजिए, अब x नहीं है मेरे पास, है h डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस h x, इसी से ये tan इनवर्स के साथ है और इसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया है h डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। अब देख लीजिए, जब h 0 की ओर जाएगा ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, बिकॉज 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो नहीं बन गया tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x एंड x टर्निंग टू 0, सो दैट लिमिट इज इक्वल टू 1, लिमिट x टर्निंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई x दैट इज इक्वल टू 1, और आपके पास x के बल्ले है h डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, x के बल्ले, सो ये 1 आ गया। तो जब मैं यहां पर h का वैल्यू 0 दूंगा ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 आ गया। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स ऑफ x की वो क्या बन रही है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमारे पास cot इनवर्स ऑफ x होगा, सॉरी मैं भूल गया हूं लिखना यहां पर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, इट मस्ट बी सेम क्वांटिटी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट विथ माइनस आई। और आपके लिए एक्सरसाइज है ये भी प्रूव करना, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1,
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज, अगर सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की ये डिफरेंशिएशन है कोसेक इनवर्स की आएगी यही, बट विथ माइनस साइन, मॉड ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. सो यू आर सपोज्ड टू प्रूव दीज फॉर्मुलाज. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंशिएशन में. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप दैट यू वुड पर्सनली मैसेज मी रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. थैंक यू वेरी मच.